द्वारस इलाके के बानाहट थाना क्षेत्र के मोगलगढ़ा चाय बगान में उत्कृष्ट काम करने वाले चाय श्रमिकों को आज चाय बगान प्रबंधक कमेटी द्वारा चाय श्रमिकों एवं विभिन्न विभाग के कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार देकर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम के दौरान चाय बगान के डायरेक्टर गौरव बंसल, चाय बगान के सीईओ आलोक बनर्जी एवं चाय बगान प्रबंधक मृगंका भट्टाचार्य जी तथा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारस जागरण संस्था से विक्टर बसु मुख्य रूप से उपस्थित थे। चाय बगान प्रबंधक मृगंका भट्टाचार्य जी ने कहा कि चाय बगान मैनेजमेंट और कर्मचारी तथा श्रमिकों के सहयोग से ही चाय बगान को चलाया जाता है। 2014 से ही उत्कृष्ट काम करने वाले चाय श्रमिकों एवं कर्मचारियों को चाय बगान मैनेजमेंट द्वारा उन्हें काम के आधार पर जो अव्वल होते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जरूरतमूलक वस्तु उपहार में दिए जाते हैं और उनका सम्मान किया जाता है। इस कार्यक्रम से चाय बगान के श्रमिकों में भी काफी उत्साह देखा गया। कई श्रमिकों ने कहा कि बिरबल जी द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के काम से लोगों को काफी प्रोत्साहन मिलता है। विक्टर बसु ने चाय प्रबंधक द्वारा किए जा रहे इस कार्य का जमकर सराहना किया है। देखिए एनआई द्वारस न्यूज यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के खबरों से जुड़े रहें। यहाँ के मैनेजर साहब को हम धन्यवाद जानते हैं क्योंकि हमारे चाय बगान में सभी हम लोग मिलजुल के काम करते हैं और मिलजुल के काम करके अच्छे तरीक़े से और चाहते हैं अच्छा काम हो अच्छा ढंग से सबको। आज यहाँ पर इतना समागम हुआ था, इस समागम में हमारे महिला और पुरुष सभी थे श्रमिक। तो क्या काम करते हैं? हम तो चाय बगान में साफ स्टाफ काम करते हैं, चाय पावर स्प्रे में रहते हैं, ब्लाकर में रहते हैं, छील में रहते हैं, सभी राउंड ऑलराउंडर ही सब काम करते हैं। ऑलराउंडर हैं आप? हाँ जी। अच्छा है, जैसे अच्छा काम करता है वो लोग का अच्छा प्राइज दे के और खुशी करता है और लोगों को उत्साहित देता है कि वो लोग भी अच्छा काम करें ताकि वो लोग को देख के हम लोग भी अच्छा काम करेंगे तो हम लोग भी कुछ ये मिलेगा, ऐसे वो लोग भी सोचेंगे बोल के सबके सामने प्राइज देता है। हम लोग का मैनेजर अच्छा है मोगलकाटा का, हम लोग का अच्छा लगा इसीलिए। क्या मिला आपको? खुशी मिला प्राइज मिल के कि हाँ हम लोग भी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं बगान में। चाय पत्ती तोड़ती हूँ चाय बगान में। क्या नाम है? शोभा लोहार। मालती जी, आज आपको जो ये पुरस्कार मिला कंबल ब्लैंकेट्स मिला, कितना खुश हैं आप? खुशी है, बगान का तरफ का साहब देता है, अच्छा आप लगता अच्छा है, काम करते हाँ, हैं। अच्छा काम करता है, अच्छा लगता है, हर साल खुशी रहता है। मृगंगा भट्टाचार्य जी, देखा जा रहा है कि आज आप लोग बहुत सारे गार्डन वर्कर को पुरस्कृत कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए चाय बगान में सबसे महत्वपूर्ण है लैंड एवं लेबर। जैसे जमीन छोड़ के चाय गाछ नहीं होगा, लेबर छोड़ के भी हम लोग जो चाय उत्पादन कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है एक तो लेबर और जमीन। तो जमीन के लिए जैसे हम लोग सब कुछ साल भर करता है, इसके लिए लेबर छोड़ के भी चाय बागान नहीं चलेगा। लेबर एक तो बहुत बड़ा पार्ट है चाय बागान में, जो जिसको छोड़ के हम लोगों को इतना बड़ा जो साल भर जो हम लोग का सब कुछ चलता है, जो लेबर अगर नहीं रहेगा जैसे चाय बागान चलाना पॉसिबल नहीं है। लैंड लेबर एवं मैनेजमेंट तीनों का साथ होता है बोल के बागान बा जो कोनो इंडस्ट्री चलता है उसमें चाय बागान में सबसे महत्वपूर्ण है लेबर। तो हम लोग साल भर जो लेबर लोग काम करते हैं, जो हम लोगों का जो देना पावना जो चलता है साल भर वो तो चलेगा, लेकिन उससे छोड़ के भी हम लोग सोचता है जो अगर लेबर को अपना परफॉर्मेंस हिसाब से अगर कुछ नहीं छोटा सा एक टोकन अगर गिफ्ट देके उन लोगों को उत्साहित किया जाए तो उन लोगों को आगामी दिन में काम करने का उत्साह और बढ़ेगा और साथ साथ चाय बागान का भी हम लोगों का श्रीवृद्धि होगा। ये आप प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के हम लोग 2014 साल से मैं यही प्रोग्राम करते आ रहा है। इस बार भयंकर जो आप लोग जानते हैं COVID-19 के चलते 31 दिसंबर हम लोगों का ये प्रोग्राम होता है, लेकिन इस बार COVID-19 का चलते हम लोगों का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ 31 तारीख। तो साल हम लोग शुरू किया है 15 तारीख, 15 फरवरी हम लोग का फर्स्ट प्लाकिंग हुआ है। तो ये नया साल जब हम लोग शुरू किया तो इसलिए हम लोग सोचा है जो नया साल शुरू होने के बाद ही हम लोग एक दिन ठीक करेंगे इसको पुरस्कृत करने के लिए, जो काम शुरू करने का पहले ही, इसलिए आज हम लोग एक दिन ठीक किया पुरस्कार को देने के लिए। पुरस्कृत किया हम लोग आज टोटल 19 जन को पुरस्कृत किया है।
विभिन्न भाग में आप लोग देखा है, बेस्ट प्लाकार, बेस्ट सरदार, बेस्ट बोईदार, बेस्ट पानीवाला, बेस्ट चौकीदार, सब चाय बागान का एक एक डिवीजन में एक एक पार्ट होता है। ये सब सब जो जो अपना अपना भागा में जो जो बेस्ट है उन लोगों को हम लोग पुरस्कृत किया, जमा 19 जन को हम लोग पुरस्कृत किया है। आज मुगलकाटा चाय बागान का ग्रोथ रेट क्या है सर? अभी ग्रोथ रेट हम लोगों का लास्ट 5-6 साल से जो हम लोग चला रहा है इसमें खूब धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, जितना हम लोग आशा करते हैं ग्रोथ, जो बागान चलाने के लिए जितना ग्रोथ हो जाना चाहिए वो अभी तक हम लोग नहीं हुआ। अभी हम लोगों का 20 क्विंटल का यील्ड है बागान का, आशा करता है आगामी दिन में 3-4 साल में हम लोग बच्चा गाछ भी रोपण कर रहे हैं तो इसमें 25 क्विंटल यील्ड होना चाहिए। 25 क्विंटल यील्ड, 24 से 25 क्विंटल यील्ड नहीं होने से आजकल बागान नहीं चलता है, तो हम लोग को 20 क्विंटल यील्ड में बागान चलाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग ब्रेक इवन में भी नहीं है, उससे भी पीछे, माने बागान लॉस में ही चल रहा है, लेकिन आगामी दिन आशा करते हैं हम लोग अच्छा होगा, तो यही आशा में हम लोग काम कर रहे हैं। कितने श्रमिक अस्थाई है और अस्थाई कितने हैं? हम लोगों का यहाँ टोटल 1100 श्रमिक है, सब स्टाफ स्टाफ श्रमिक मिला के स्थाई श्रमिक, और अस्थाई श्रमिक 600-700 श्रमिक है। चलिए, हमारी शुभकामना है आगामी दिनों के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप दीर्घ दिनों से चाय बागान श्रमिकों के उत्थान के लिए सामाजिक संस्था चलाते हैं, आपका द्वार जागरण है, आज इस प्रकार का जो कार्यक्रम हुआ इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मुगलकाटा टी कंपनी ने 2014 साल से काम कर रहा है, जो श्रमिकों का उत्साहित करने के लिए जो एक अच्छा माहौल बनाता है, जो काम का एक तो अच्छा माहौल हो, हम अच्छा काम करें तब तो हमको पुरस्कृत किया जाएगा, मैनेजमेंट से हमको सहायता मिलेगा, तो ये चीज़ बहुत कम डुअर्स में, हमारा बहुत कम बागान में देखने मिलता है। लेकिन ये मुगलकाटा टी कंपनी ने एवं उनको मैनेजर श्री मृगांका भट्टाचार्य जी ने एवं उन कंपनी ने जो उद्योग लिया ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें श्रमिकों के ऊपर क्या होता है, एक तो अच्छा वार्ता मिलता है, जब हम अच्छा काम करें तो कंपनी हमको साथ दे, हमको इनाम दे, तो इनाम पाने में तो सबको ही अच्छा लगता है, तो इसमें हमको लग रहा है जी इसमें लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है, जो सब कोई काम करे ठीक से। अच्छा, इस प्रकार का काम सभी चाय बागानों को करना चाहिए? सब बागान को करने से अच्छा होगा, क्योंकि श्रमिक के साथ मालिक लोग का मैनेजमेंट का अच्छा असर मिलता है, अच्छा संपर्क बनता है, और इंडस्ट्री भी अच्छा चलेगा इसके लिए, ये हमको दवा है इसके लिए ऊपर। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पीते रहिए फिजी एक्वा। डीलरशिप के लिए द्वारा इलाके में फिजी एक्वा के माध्यम से जल्द आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए